मंजिलें हो चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटा 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। सूरजपुर पुलिस ने प्रतापपुर में हुए अंधे कत्ल का खुलासा कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रायपुर से वाहन बुकिंग कर प्रतापपुर में ड्राइवर की हत्या किया था। आरोपियों के पास से एक नग कट्टा, 8 नग कारतूस, 2 चोरी की बाइक व 4 नग मोबाइल बरामद किया गया है। मामले में सूरजपुर पुलिस सरगुजा IG के संज्ञान में थी, जिनके निर्देश में सूरजपुर पुलिस सूक्ष्मता से जांच में जुटी और आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाली मामला निकली। सरगुजा IG रतनलाल डांडी ने कड़ी मेहनत से मामले का खुलासा करने पर पूरी पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा भी की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वाहन को बुकिंग में देने से पहले वाहन बुकिंग पर ले जाने वाले व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर और उनका ID कार्ड की जानकारी लेने की भी बात कही है। ग्राम खोरमा में 31 अगस्त को एक अज्ञात व्यक्ति मरा पड़ा हुआ था। सिर पर चोट भी लगी हुई थी, खून निकल रहा था। देखकर प्रतापपुर निवासी शैलेंद्र कुमार सिंह ने थाना प्रतापपुर में सूचना दिया, जिसे अपराध पंजीबद्ध कर प्रतापपुर पुलिस मामले की सूचना सूरजपुर SP को दिया, जहाँ SP ने घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए सरगुजा IG रतनलाल डांडी संपर्क में डाली। IG के निर्देश में पूरे मामले को गहनता से सूरजपुर पुलिस जांच में जुटी थी, जिसे SDOP प्रतापपुर राकेश पाटनवार के नेतृत्व में थाना प्रतापपुर की पता साजी आसपास क्षेत्र में करते हुए मृतक का फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। इसी बीच 2 सितंबर को उक्त मृतक की पहचान चित्रेन साहू, पिता राम सुहागी साहू, उम्र 40 वर्ष, ग्राम मनियारी, थाना साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ का हुआ, जिसका शव उत्खनन कराकर शव को परिजन दुष्यंत साहू को सुपुर्दनामा पर दिया गया। सर, इस घटना के बारे में बड़े चिंतित रहते थे IG सर, और एक भी दिन ऐसा नहीं बीता हुआ जिसमें सर ने इस केस के लिए चर्चा नहीं की और बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिए। जो वहाँ पे टीम को रुकने का भी सर ने बोला कि वहाँ रोक के रखो, इतने दिन कोई टीम कहीं रुकती नहीं है, थाना बुधारी 12-12 दिन ऐसी स्थितियों में, तो सर ने भी पूरा वहाँ पे भी हम लोग को काफ़ी सहयोग कराया रायपुर में भी, और सर के ही सहयोग से पूरी टीम वहाँ रुकी रही और वहाँ रुक कर जो है एक एक चीज जब भी वो चीज करती थी वो मुझे बताते थे, मैं सर को बताता था, सर बोलते थे कि ठीक है इस रूट में वो होटल नहीं पड़ रही आजाद चौक पर, दूसरे रूट में भी चेक करो, हो सकता है वो दूर में रुके हों। आजाद चौक में जो ये सिटी प्लस होटल थी, फिर सर कोई बताया गया तो सर ने बोला कि सब होटलों को बारीकी से चेक करो, उनका रिकॉर्ड चेक करो, क्योंकि होटल में रुकने के लिए सब अपना ID वगैरह देते हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक एक चीज़ को किया। मेरे साथ में मेरे सहयोगी SDOP राकेश पाटनवार भी इसमें बहुत लगे रहते थे। सर को मतलब इस चीज़ की पूरी जानकारी रहती थी कि क्या कर रहे हैं, और सर का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहा। सड़कों को हम लोगों ने चेक किया, जितने भी नाके आ रहे हैं उनको चेक किया, क्योंकि उस समय बारिश गिर रही थी, बारिश के कारण गाड़ी धुंधली हो जा रही थी तो फोटो नहीं आ रहे थे ठीक से। हर चीज़ मतलब चैलेंजिंग थी, लेकिन सर का मार्गदर्शन मिलता रहा, उत्साह वर्धन करते रहे, हम लोग भी सब लगे रहे और इस पे आता था हम लोग को इसमें सफलता मिल रही। ये दोनों इन्होंने बताया कि करीब 15 बाइक उन्होंने चोरी की बिहार और गढ़वा से, वहीं उनको खपा देते थे। और रायपुर में भी इन्होंने जो यहाँ से गए थे वो भी चोरी की बाइक थी रायपुर से, यहाँ से इन्होंने 28 तारीख को ये निकले थे रात को, चोटिया में रुके, चोटिया में ढाबे आबे में रुके, 29 तारीख को ये पंडरी बस स्टैंड में पहुँच जाते हैं, वहाँ ये स्कॉर्पियो ढूंढते हैं, वहाँ इनको स्कॉर्पियो नहीं मिलती है, फिर ये लोग जाके होटल सिटी प्लस आजाद चौक में रुकते हैं, और फिर 29 तारीख को सुबह सुबह ये लोग आते हैं, दो लोग फिर ये लोग अपना वहाँ से गाड़ी बुक करवा के वापस होटल में आते हैं और तीसरे साथी को बैठाते हैं वहाँ से। ये इनकी कहानी थी, मॉडल ऑपरेंडी थी, फिर उस से यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद इनका प्लान था कि किसी सुनसान जगह में करेंगे, क्योंकि इसको बताया गया था कि प्रतापपुर तक ही अपने को चलना है। सरहरी थाने में, सरहरी जो आपका ये गांव है मोड़ है, वहाँ पर पहले इन्होंने करने का प्रयास किया था, लेकिन उसी दिन विकेश की गश्त थी सर, और विकेश उस समय वहाँ से निकला रात को 12-12:30 बजे गश्त पर निकला, तो विकेश को देख के शायद उसमें उन्होंने घटना नहीं की। फिर ये लोग थोड़ा आगे आगे कोरमा तरफ, कोरमा में आके फिर उन्होंने हड़बड़ी में उसको उतारा, बोला हमारा घर आ गया, बाजू में कोई एक कच्चा मकान दूर में था,
उन्होंने क्या किया उसको किया और उसको बातों में उलझा रखा और ये जो तीनों अपने प्लानिंग के हिसाब से उसके सर में चोट की है। Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध, जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बिमारी का संपूर्ण इलाज। Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटोरतला, रायपुर।